हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पूरी भौतिकी की एनसीईआरटी का हिंदी में वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें बिना जाना नहीं है। मतलब पहले तो आप ही पढ़ लो। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर वन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी बात करेंगे। स्टार्टअप कहाँ से हुआ था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, वैद्युत आवेश होता क्या है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना तो वीडियो को देखो, और आपको समझ में ना आए ना तो पैसे ले लेना मुझसे अगर समझ में नहीं आए, ठीक है। अब बात करते हैं चालक तथा विद्युत रोधी। प्रेरण तथा आवेशन, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बाहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव एक समान तथा बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण, गॉस का नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। मतलब इतने सारे टॉपिक्स को, मतलब ओवरऑल 15 टॉपिक्स हैं, मतलब 15 टॉपिक हैं, इन सबको पढ़ेंगे। आप जेई के स्टूडेंट हो, आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो ना कितनी फीलिंग आने वाली है अगर आप इतना सब पढ़ लो ना। जितना एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उतना समझ लो ना तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, एक एक चीज़ समझ में आने लगेगी भाई, गारंटी की बात है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो इसको इन जनरल इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, मतलब चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है बेसिकली, थोड़ी सी बात करते हैं ना, मैं आपको बेसिक्स थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस बुक में इतना आगे लिखा नहीं है, भूमिका से स्टार्ट है। मतलब कि तो आप समझ लो कि चार्ज जो होता है ना, मेन प्रॉपर्टीज़ होती है। अब चार्ज जो होता है इसको डिनोटेड करते हैं क्यू से, आपको पता होगा जनरली, और क्यू इज इक्वल टू होता है एनई। ये आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके होगे, या आपने विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मतलब कि एक पूर्णांक गुणक होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है। Q इज इक्वल टू एनी, आपको पता है Q चार्ज जो होता है ना, इसको इसकी यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट वो होती है कूलाम, सॉरी मैंने काय में लिख दिया इंग्लिश में, तो मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी यूनिट होती है कूलाम। अब देखो थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि एक ही चीज़ ध्यान रहती है लोगों को, कूलाम का नियम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं भूमिका। अब भूमिका में भाई साहब, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि स्टार्टअप कहाँ से है। तो ऐसा था ना, बहुत पुराने टाइम की बात है, जैसे आप कपड़े उपड़े पहनते हो, जैसे मान लो आप जैकेट पहनते हो। अब जैकेट में आपको पता है क्या क्या होता है जब आप जैकेट पहनते हो, तो जैसे मान लो ये हो आप, अब भाई साहब ये हो आप बड़े स्मार्ट बन के शादी पार्टी में जा रहे हैं जैकेट वैकेट पहन के, तो आपको पता है जब आप हाथ ऊपर नीचे करते हो तो एक आवाज़ सी आती है, क्या आती है? वॉइस आती है। अब इस वॉइस का रीज़न क्या होता है, या फिर आप अपनी जगह पर बैठे होते हो जैसे बस में, तो आगे पीछे बढ़ते हो तो एक नॉइस आती है, यानी कि आप कोई भी चीज़ों को रब्ड करते हो तो नॉइस आती है। अब उस नॉइस का रीज़न क्या होता है ना भाई, नॉइस का रीज़न क्या होता है अगर बस में आप आगे पीछे बैठे होते हैं, या फिर आगे पीछे होते हैं, या फिर जैकेट अपनी, या फिर कोई भी गर्म कपड़े या सूटर वगैरह आप उतारते समय देखते हो ना, तो एक नॉइस आती है। वो नॉइस का रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए वो नॉइस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो नॉइस करेंगे। अब यही रीज़न है, मतलब कि विशेषकर शुष्क मौसम में, मतलब कि ठंडे मौसम में स्वेटर अथवा सनलेस वस्त्रों को शरीर से उतारते समय एक ध्वनि सुनाई देती है, चिंगारियां देखने का अनुभव होता है, महिलाओं के वस्त्रों में तो खासकर साड़ी में, ठीक है। साड़ी में तो स्पेशली आप जब हाथ मारते हो ना ऐसे, तो एक नॉइस आती है, उस नॉइस का भी रीज़न होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो विद्युत विसर्जन या अन्य समान उदाहरण, आकाश में गर्जन तड़ित दिखाई देना, ये मतलब ये बहुत, अब आपको मैंने एक ही वर्ड में समझा दिया क्या होता है, तो रगड़कर एकत्र हो जाते हैं। अब ये भाई साहब कुछ था, मतलब ये ऐसा फील किया, तो 600 ईसा पूर्व की बात है, मतलब कि 600 ईसा पूर्व की बात है कि इस तथ्य की खोज का श्रेय ऊन अथवा रेशमी वस्त्रों को जाता है, कि ऊन से पता लगा कि आवाज़ आती है नहीं आती। आप अभी चाहो तो ट्राई करके देख लो, आपके पास जैकेट वगैरह तो रखी होगी, आपके गर्म कपड़े होंगे। अब उस टाइम पे देखो, एक आपने वर्ड सुना होगा एम्बर, तो एम्बर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ एम्बर है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ एम्बर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी अर्थ हम इन सिंपल भाषा में कह सकते हैं एम्बर है, अंडरस्टैंड। अब उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे। अब इसका श्रेय किसके लिए जाता है? देखो ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है, मतलब इसका श्रेय जो है वो थेल्स को जाता है।
इनने थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया यार अपने आसपास, आप भी देखते रहा करो कि आपको भी कोई चीज़ मिल जाए यार, आपका भी नाम जाए कि इसका श्रेय फला 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 इनको जाता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं भाई चार्ज पे होता क्या है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा आपको अपने आप से समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आने लगे, बहुत बेसिक बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है, आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में पता होना चाहिए, चार्ज। अब बेसिकली चार्ज जो होता है ना, ओ सॉरी मैं यार इंग्लिश में आ जाता हूँ थोड़ा सा, आपको आवेश को, आवेश के बारे में पता होना चाहिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक, और एक होता है धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश। तो ये होते हैं हमारे पास दो प्रकार के आवेश। अब आवेश की अगर जनरल बात की जाए ना, तो Q सिंबल से डिनोट किया जाता है, Q चिन्ह से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, मतलब ये जो इसका सिंबल है ना वो Q है, Q सिंबल से दिखाया जाता है। अब इतनी बात आपको पता लगी। अब एक बात और छोटी सी आप और ध्यान रखिएगा, वो बात ये है कि इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट होती है कूलम, यूनिट क्या होती है, कूलम इसकी यूनिट होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और चार्ज की मतलब कि आवेश की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी कि क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण पता है क्या होता है, कि Q इज इक्वल टू एन ई, इसको हिंदी में आप अपने आप ही लिख लीजिए, मतलब थ्योरी आप इसके अपने आप ही लिख लीजिए, कि आवेश जो होता है ना वो पूर्णांक गुणक होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। अब यहाँ पे ई क्या है ना, ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इसकी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू होती 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ होती है। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहा हूँ, देखो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करके बताता भी जा रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मैं पूरा आपको कंपटीशन बेस पढ़ा रहा हूँ, आप अगर किसी भी क्लास में, क्लास ट्वेल्थ में है और इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और आप यहाँ से पढ़ देंगे ना, तो आप अपनी क्लास में अपने आप को बहुत आगे फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता आपको सीधे बता देता कि आवेश क्या होता है, इतना सब लिखा देता, नोट्स के थ्रू आप समझ जाते कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, आप याद कर लेते हैं, आपका काम हो जाता। बट अगर आप किसी भी हिंदी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो बच्चा लोग आप ये बात ध्यान रखें, क्या बात ध्यान रखना है, ये आपको ज़्यादा पढ़ना है, आपको ज़्यादा सीखना है, क्योंकि आपके टीचर आपको शायद उतना नहीं बताते, ताकि आप अपनी क्लास, अपनी कोचिंग में सबसे आगे बोल सकें, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मतलब चैनल को आपका काम है, बाकी तो मैं नहीं कहता। तो ये 1.6, अब देखो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यू से दर्शाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से दर्शाते हैं। यानी कि मैं बस आपको इतना बताता हूँ कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब उसको हम पास लेके आए, मतलब जो धनात्मक चार्ज हैं, तो ये आपस में यार एक ही क्लास के दो टॉपर बच्चे आपस में क्या करते हैं, भले ही सामने कहते हैं ओ कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेट, मतलब मुझे नहीं आती इंग्लिश, अभी तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कि आपको वन रैंक मिली है, मतलब आप फर्स्ट आए हैं, प्रथम आए हैं, प्रथम ही कहते हैं ना, हाँ। अब आप बच्चा लोग ये बताएं कि वो दोनों लोग या फिर आप हों, तो आपको पता है कि आप मनी मन खुश होते हो कि यार इसकी फर्स्ट आ गई, यही तो सोचते हो कि मेरी क्यों नहीं आई है ना, भाई ये भी तो थोड़ा बहुत मैटर करता ही करता है, अरे पता है भाई साहब हमें सब कुछ आपके बारे में। अब ऐसे ही अगर दो समान चार्ज होते हैं ना, एक समान चार्ज होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, तो भाई साहब ये समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित का मतलब ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित तभी तो करेंगे जब फोर्स लगाएंगे, और फोर्स क्या लगेगा, उस फोर्स को कहते हैं प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल।
तो भाई साहब आप अपनी कॉपी में नोट्स के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, प्रतिकर्षण बल हेडिंग डालिए, आपसे लाइक चार्जेस बना लीजिए और लिख लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है प्रतिकर्षण बल में। अगर दो समान चार्ज आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है उसको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। सेम बात करते हैं अगर असमान चार्ज की बात करते हैं, एक माइनस है दूसरा प्लस है, एक ही कंडीशन है या फिर प्लस माइनस बस वही है, मतलब ये मैंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया। अब ये देखो ये असमान चार्ज हैं तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। भाई साहब एक क्लास का टॉपर लड़का है, दूसरा कोई लूज़र है, मतलब कोई भी समझ लो, आकर्षित करेंगे। तो यार वो कुछ भी कहेगा वो तो सुनेगा, यार ये टॉपर है ये कुछ भी बता रहा है, हमारे लिए तो फ़ायदे की बात है और आप खुश हो गए यार मेरी बात सुनना है, ओहो फीलिंग समझ रहे हैं। तो आकर्षित करते हैं तो ये आकर्षण बल होता है, तो इसको कहते हैं आकर्षण बल। तो इतना सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली चार्ज के बारे में हम जानते हैं। अब देखो अब क्या होता है, अब थोड़ा सा हम बुक में आते हैं, बुक में एनालाइज करते हैं, देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि रेशम का धागा है, कांच की छड़ है, ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। रेशम का धागा मतलब ये हमने बांध रखा है, प्लास्टिक की छड़ ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इनके चार्ज देखना पड़ेंगे, चार्ज के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये इस पर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इस पर अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब क्या चीज़ किस पर अट्रैक्ट हो रही है। अब देखो जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियां, कागज़ के टुकड़ों, आपको पता है एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं इसी का बता रहा हूं। अगर आप किसी कागज़ के टुकड़े को लो, उसको अपनी टीवी लैपटॉप की स्क्रीन पर चिपकाओ, नहीं चिपकेगा, उस पर आप इस्त्री कर दो मतलब प्रेस कर दो ना, तो प्रेस करने के बाद वो उस पर चिपक जाएगा। यानी कि जनरल सिंपल सी मैं आपको बस कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़, ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी गई दो कांच की छड़, अब सपोज करो भाई साहब आपके पास दो कांच की छड़ है, मतलब दो कांच की छड़ है। अब एक कांच की छड़ ये है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको बता दूँ, एक को हमने ऊन के कपड़े से रगड़ा है और दूसरे को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी मतलब कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। अब होना क्या है, अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। हमने रब्ड किया, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और आप समझने की कोशिश करो, ऊन बेल प्रति छड़ों को एक दूसरे को निकटना है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ऊन की बेलड़ियाँ अथवा रेशम के कपड़े के बे टुकड़े इन छड़ों को रगड़ा गया तथा बे परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगर हमने ऊन, मैं आपको बता चुका हूँ ऊन और रेशम की बात कर रहे हैं, अब ऊन और रेशम इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के पास लेके जाओ, मतलब एक हमारे पास ये कपड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों कपड़े से हमने ये रब्ड किया, ये ऊन का कपड़ा है और ये रेशम का कपड़ा है, तो इन दोनों से हमने इसको रब्ड किया और रब्ड करने के बाद हमको पता लगा कि इन दोनों को पास में लेके आया तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जबकि इस को चेंज कर लें, मतलब कि ऊन की छड़ को, मतलब ये छड़ को, उनकी नहीं है ये छड़, इसको किसी के भी पास लेके आए तो ये छड़ इस कपड़े को आकर्षित करती है। मतलब कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ऐसी बिल्ली के बालों से रख लो किसी की छड़ को तो क्या होगा, और दूसरी छड़ को रख लो तो एक दूसरे को वहाँ पे यार रब्ड करने का सीन होता है यार, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा, नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखो ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इसमें आपसे पूछा जाता है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ अगर दोनों को अलग अलग करके लेके आया जाए तो रब्ड नहीं करती है। तो इस कॉन्सेप्ट का पूरा फीलिंग पूरा सार यहीं पे ही था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा बाकी देखो ये इतना अब मैं आपको सब नहीं बता रहा हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हम प्लास्टिक की छड़ रेशम अथवा नायलॉन के धागों से लटकी हुई सरकंडी गोलियों का उपयोग करते हैं तो कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। बस आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रगड़ने पर वस्तुओं द्वारा आकर्षित आवेशित होने का इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब विद्युत तथा चुंबकत्व का एकीकरण, ये देखो ये एकीकरण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन चलो पढ़ा ही देता हूँ, वैसे आपने पढ़ा होगा। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व पृथक
विषय समझे जाते थे। मतलब विद्युत और चुंबक को अलग अलग विषय समझा जाता था, लेकिन ये सब गलत था, क्योंकि विद्युत से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबक से ही विद्युत उत्पन्न होती है। कई सारे आपने रीजन देखे होंगे यार कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इतना तो आप जानते होंगे। तो ये भाई अब ऑस्ट्रिच, ये चुंबकत्व में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ऑस्ट्रिच के एक्सपेरिमेंट को। बिल्ली के समूर बैटरी तड़ित आवेशों पर चर्चा होती थी। चुंबकत्व के अंतर्गत लौह चुंबकीय छीलन, चुंबकीय सुई आदि के अनोन्य क्रिया के बारे में वर्णन किया था। 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट ने पाया कि चुंबकीय सुई के निकट रखे जाने से तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जब आप मैग्नेटिज्म में आएंगे, आप मैग्नेटिज्म वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आने लगेगा? ठीक है, तो इसको ज़्यादा नहीं आगे हम डिस्कस करते हैं। बस यही है, एम्पियर तथा फेराडे ने इस प्रेक्षण में यह मतलब ये सब उनने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र सब सेम है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि एक ही दूसरे के मतलब हम कह सकते हैं एकक वगैरह हैं। ओके, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम मेन टॉपिक में आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आवेश का समझ, आवेश वाला पूरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं ज़रूरत है तो नहीं। चालक तथा विद्युत रोधी, इनके बारे में बात करेंगे। मतलब कि चालक तथा विद्युत रोधी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।